नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने युवा लेखिका सिमरन अग्रवाल द्वारा लिखित किताब सौदाद ए लव एवरलास्टिंग का विमोचन किया। वर्तमान में वे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में वानिकी बीएससी की अंतिम वर्ष की छात्रा है। युवा लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कविताओं का ये संग्रह पाठकों को आनंद प्रदान करने के साथ साथ नवोदित लेखकों को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने लेखिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य की योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दी। किताब में बताया गया है कि किस प्रकार हम जीवन में आशा और विश्वास के साथ स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं तथा समय के साथ चीजें और अधिक बेहतर हो जाती हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं और उनके जीवन को बेहतर बना रही हैं। प्रदेश के जिला ऊना में गांव के लोगों को आजीविका अर्जन के कई अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास है सोमभद्रा ब्रांड नेम, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। सोमभद्रा ब्रांड नेम यहां की महिलाओं की आर्थिकी सुधारने और ग्रामीण विकास की नई इबारत लिख रहा है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को सोमभद्रा ब्रांड नेम की आकर्षक पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके कारण इन महिलाओं द्वारा तैयार घरेलू उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। ऊना जिला के सभी विकास खंडों में 1857 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़कर विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका अर्जन के लिए गठित स्वयं सहायता समूहों का मूल मंत्र है आकर्षक तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करना। ऊना जिला में सोमभद्रा ब्रांडिंग स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। जिला में चल रहे स्वच्छता अभियान और त्योहारों के मद्देनजर नगर पार्क में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादों को सोमभद्रा नाम से बेचने की सुविधा प्रदान की गई। सोमभद्रा ब्रांडिंग के कई उत्पाद बाजार में उतारे जा रहे हैं, जिसमें शहद, आचार, खाद्य उत्पाद, लैंप के रूप में पर्यावरण के अनुकूल बांस से बने उत्पाद, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान के अलावा राखी आदि शामिल हैं, जिन्हें खूबसूरती से तैयार और आकर्षक ढंग से पैक करके प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। साढ़े पिंड च कोई 16-17 ग्रुप बने हुए, असं ग्रुपां च काम कर रहे, जिदा सेमियां बना रहे, बड़ियां बना रहे, सिप बड़ियां बना रहे, जो भी किसी नूं आंदा उही काम कर रहे। तो अपने ब्लॉक वाले साढ़े स्टाल लगा देंदे, उत्थे साडा सारा समान सेल हो जाता। ब्लॉक वालिया ने दुकाना भी खोलियां, उन्हें दुकाना ते साडा समान रख देंदे, जब वो बिक जाता तो उस तो बाद सानूं पैसे भी दे देंदे। मेरे समूह का नाम हरे कृष्णा है, जिसकी मैं सदस्य हूँ। तो हम बड़ियाँ का कार्य कर रहे हैं, सेपू बड़ी, मसाला बड़ी, सेवियाँ का, और मेरे ग्रुप की 10 महिलाएं हैं जो हम मिलकर काम करती है। पहले हमारा जो काम था थोड़ा कम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा बिक रहा था, तो सितंबर महीने में 18 से लेकर 25 तक क्षेत्रीय मेले का मंच भी हमें मिला है। तो वहाँ हमें सोमभद्रा ब्रांड जो DRDO वाले सरकार ने हमें दिया है, सो ब्रांड मिलने से हमारी बिक्री जो और बढ़ गई है। इस प्रदर्शनी से एक तरफ महिलाओं को ग्राहकों के साथ सीधे बातचीत करने के लिए मंच मिला है और आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ वोकल फॉर लोकल का सपना भी साकार कर रहा है। स्टॉल लगे सीगे जड़े की पुरानी परंपरा नु दर्शांदे हैगे, मैनु बहुत पसंद आए, और बाजार नालों बढ़िया चीजा ने, अचार वगैरह ये भी मैं खरीदा है, और कोई डेकोरेशन आइटम ने वो भी मैं अपना खरीद लिया, मैनु बड़े मन नु चंगिया लगिया। मैं होरना लोगों नु भी यही कहंदा कि बाजार दी चीज़ा नालों ये चीज़ा खरीदो, ये लेडीज़ का भी कामकार चले, ये भी गरीब परिवार नाल संबंधित ने और मेहनती ने। इन समूहों के सदस्यों को कच्चा माल और मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे ऋणों के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ती रहे, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर खोली गई दुकानों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।